नमस्कार, आप सबका स्वागत है। फिल्म रुस्तम में अक्षय कुमार की वाइफ का रोल प्ले करने वाली इलियाना डिक्रूज सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट कर चर्चा में हैं। इस पोस्ट के बाद खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शादी कर ली है। दरअसल ये फोटो उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर डाली है, लेकिन इसके कैप्शन में उन्होंने क्रेडिट अपने बॉयफ्रेंड डैड यूनिबोन को दिया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन्हें एड्रेव को कैप्शन में हब्बी यानी हस्बैंड लिखा है। इलियाना के इस फोटो पोस्ट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने एड्रेव से गुपचुप शादी कर ली है। कुछ टाइम पहले दोनों की एक फोटो सामने आई थी जिसमें ये कपल एक दूसरे के किस करते नजर आ रहा था। पहले भी इलियाना और निबोन के ऑस्ट्रेलिया में गुपचुप तरीके से शादी करने की खबरें आई, लेकिन दोनों ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। एड्रेव निबोन ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर है। दोनों का रिश्ता बॉलीवुड में किसी से छिपा नहीं है। कुछ साल पहले एक अवार्ड सेरेमनी में साथ दिखाई देने के बाद इनका रिश्ता और चर्चित हो गया था। इलियाना पिछले 4 साल से निबोन को डेट कर रही हैं और वे पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। इलियाना की मदर टंग मातृभाषा कोंकणी है। शुरुआती दिनों में इलियाना ने कई विज्ञापनों में काम किया। उनकी डेब्यू फिल्म 2006 में आई देवदासु है। वहीं बॉलीवुड में उन्होंने 2012 में अनुराग बासु की फिल्म बर्फी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा भी थीं। बाद में इलियाना ने फटा पोस्टर निकला हीरो, मैं तेरा हीरो, हैप्पी एंडिंग, किद्दो और रुस्तम जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया।